बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आई एम योर मैथ्स टीचर फ्रॉम अल असद इस्लामिया मॉडल हाई स्कूल तंगी। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन इन्वॉल्विंग ब्रैकेट्स ऑन पेज 51 हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन करेंगे जिसमें ब्रैकेट्स हो, ऐसे फ्रैक्शंस करेंगे, ऐसे फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे जिसमें ब्रैकेट्स हो। व्हेन वी मल्टीप्लाई फ्रैक्शंस बाई, वी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर बाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई डिनोमिनेटर। जब हम फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। वी डू ब्रैकेट फर्स्ट, लेकिन इससे पहले हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट्स को करेंगे। इधर देख एग्जांपल नंबर 9 को, 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई 1 ओवर 3 मल्टीप्लाई 1 ओवर 5। तो पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट वाले को करेंगे। इधर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आता है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6। और इधर 1 ओवर 5 अपनी जगह ब्रैकेट ख़त्म हो गया। अब हम इन दोनों न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 मल्टीप्लाई 1 6 मल्टीप्लाई 5, 1 मल्टीप्लाई 1 से 1 आता है और 6 मल्टीप्लाई 5 से 30। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 10 भी है। अब है पेज नंबर 52। पेज नंबर 52 क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। इससे पहले चैप्टर में भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में पढ़ चुके हैं। कितने टाइप्स है लाइक लॉ के, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो इधर हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। व्हेन मल्टीप्लाइंग ए नंबर विद द सम ऑफ टू नंबर्स, वी कैन मल्टीप्लाई द फर्स्ट नंबर बाय सेकंड नंबर एंड देन मल्टीप्लाई द फर्स्ट नंबर बाय द थर्ड नंबर। इस एग्जांपल से आप लोगों को समझ आ जाएगी। लेट्स चेक द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर फ्रैक्शंस 1 ओवर 2, 1 ओवर 3 एंड 1 ओवर 4। हम क्या करेंगे, 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई करेंगे 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 2। पेड़ है 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 2। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे और इन दोनों का लेंगे तो इधर हम करेंगे 1 ओवर 2। ये इन्होंने ज़रा और तरीके से किया है, 1 ओवर 2 इनटू 1 ओवर 3 प्लस 1 ओवर 4। हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के ज़रिए। तो इधर हम करेंगे 1 ओवर 2, 1 ओवर 3 प्लस 1 ओवर 4 का एलसीएम लेंगे तो थ्री 4 को अपनी जगह लेंगे तो फिर करेंगे 4, तो 4 3 12, एलसीएम क्या आ गया 12। तो इधर हम लिखेंगे 4 3 12, 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 4 12, 1 मल्टीप्लाई 3। अब हम करेंगे 1 ओवर 2 एंड 2 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 12। अब हम करेंगे दोनों को प्लस, 7 ओवर 12 इंटू 1 ओवर 2। अब हम ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 7 ओवर 12 इक्वल साइन ज़रूर लगाएंगे। ये तो एग्जांपल है। इधर 7 1 7, 2 12 24, तो हमारे पास 24 आ गया। अब हम करेंगे
राइट हैंड साइड वन ओवर टू, ये हमारे पास रफ वर्क था, इधर हम करेंगे वन ओवर टू एंड टू वन ओवर थ्री प्लस वन ओवर टू एंड टू वन ओवर फोर, इधर हम लिखेंगे वन ओवर वन को वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, टू को थ्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस वन मल्टीप्लाई वन टू मल्टीप्लाई फोर, फिर हम करेंगे वन ओवर सिक्स प्लस वन ओवर सिक्स वन ओवर एट सॉरी टू फोर आर एट, इधर हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे सिक्स और एट का, टू थ्री ज़ार सिक्स टू फोर ज़ार एट, थ्री वन ज़ार थ्री, फोर को अपनी जगह लेंगे, टू टू ज़ार फोर फिर टू वन ज़ार टू, तो इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा, टू थ्री टू टू, टू थ्री ज़ार सिक्स, सिक्स टू ज़ार ट्वेल्व, ट्वेल्व टू ज़ार ट्वेंटी फोर, इधर हमारे पास एल सी एम ट्वेंटी फोर आ गया, सिक्स फोर ज़ार ट्वेंटी फोर, तो फोर मल्टीप्लाई वन प्लस थ्री एट ज़ार ट्वेंटी फोर, तो वन मल्टीप्लाई थ्री, इधर हम लिखेंगे फोर प्लस थ्री डिवाइडेड बाय ट्वेंटी फोर, तो इससे क्या आता है, सेवन ओवर ट्वेंटी फोर, तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गया राइट हैंड साइड, तो दोनों सेम है, सेवन ओवर ट्वेंटी फोर दोनों का आंसर है, इधर देखिए सेवन ओवर ट्वेंटी फोर। अब है एग्जांपल नंबर टेन, तो एग्जांपल नंबर टेन भी इसी तरह है, हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3, आप लोगों को समझ आ जाएगी, एक्सरसाइज 3.3 पेज नंबर 53 पर है, पेज नंबर 53 एक्सरसाइज 3.3 में है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, पार्ट नंबर फर्स्ट वन ओवर फोर, इधर हम लिखेंगे एक्सरसाइज 3.3, वन ओवर फोर मल्टीप्लाई वन ओवर फाइव मल्टीप्लाई वन ओवर थ्री, हम क्या करेंगे, वी डू ब्रैकेट्स, पहले हम ब्रैकेट्स को ख़त्म करेंगे, तो ब्रैकेट को ख़त्म करने का तरीका क्या है, ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स है इनको मल्टीप्लाई करेंगे, वन ओवर फोर मल्टीप्लाई वन मल्टीप्लाई वन, फाइव मल्टीप्लाई थ्री, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, अब है वन ओवर फोर मल्टीप्लाई वन ओवर फिफ्टीन, अब हम ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे, वन ओवर फोर मल्टीप्लाई वन ओवर फिफ्टीन, तो हमारे पास आंसर आता है वन मल्टीप्लाई वन फिफ्टीन, फोर ज़ार सिक्सटी, आंसर क्या गया वन ओवर सिक्सटी। इसी तरह पार्ट नंबर सेकंड और थर्ड भी करें, ये आप लोग खुद कर सकते हैं, अब मैं करूँगी पार्ट नंबर फोर, पार्ट नंबर फोर है टू और फाइव मल्टीप्लाई टू एंड टू टू और थ्री एंड टू फाइव एंड टू फाइव और सिक्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर का तरीका क्या है, पहले हम इन्हें सिंपल करेंगे, किस तरह सिंपल करेंगे, देखिए इधर टू और फाइव, ये मैं दोबारा लिखती हूँ, टू और फाइव अपनी जगह मल्टीप्लाई, टू थ्री ज़ार सिक्स, सिक्स प्लस टू एट और थ्री, फाइव सिक्स ज़ार थर्टी, थर्टी प्लस फाइव थर्टी फाइव और सिक्स, इधर हम करेंगे ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे, तो ब्रैकेट को किस तरह ख़त्म करेंगे, टू मल्टीप्लाई एट फाइव मल्टीप्लाई थ्री, थर्टी फाइव और सिक्स को अपनी जगह लेंगे, टू एट ज़ार सिक्सटीन, थ्री फाइव ज़ार फिफ्टीन,
ब्रैकेट ख़त्म करेंगे 35, 4, 6। फिर इधर हम करेंगे कटिंग, 2 8 16, 2 3 6। अब 3 और 8 एक दोनों एक दूसरे पर डिवाइड नहीं हो सकता तो हम छोड़ देते हैं। अब बढ़ते हैं 35 की तरफ, 7 5 35, 3 5 15। अब हम लिखेंगे 8 × 7 / 3 × 3, 7 8 × करेंगे तो 56, 3 3 9। अब हम 56 को 9 पर डिवाइड करेंगे, 56 / 9, 6 9 = 54, 6 से 4 माइनस करेंगे तो 2 आता है। अब हम इधर लिखेंगे 6 2 2/9, ये हो गया हमारे पास आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी तरह पार्ट नंबर 5 और 6 भी करें आप लोग खुद। अब है क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव द फॉलोइंग। अब है क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में है क्या, (1/6 × 2/3) = (1/6 × 2/3) + (3/7 + (2/3) + (नहीं, सॉरी, अदर मल्टीप्लाई है) अब हम क्या करेंगे, ऐसे सीएटो नहीं डिस्ट्रीब्यूटो प्रॉपर्टी के ज़रिए हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इधर क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूटो लॉ ऑफ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, पहले एडिशन है हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटो लॉ में हम क्या करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, आप लोग एल एच एस भी लिख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास कौन सा है, 1/6 + 3/7 × 2/3। क्या करेंगे हम लोग, ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे, तो ब्रैकेट में जो नंबर्स है उसको किस तरह ख़त्म करेंगे, एलसीएम लेंगे 6 और 7 का, 3 2 = 6, 7 अपनी जगह, 3 1 = 3, 7 अपनी जगह, 7 1 = 7, तो 2 × 3 × 7, 2 3 = 6, 6 7 = 42। इधर हम एलसीएम लेंगे 42, 6 7 = 42, तो 7 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 6 7 = 42, तो 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इधर हम लेंगे 2 और 3, ये हमारे पास है रफ साइड। अब हम 7 + 18 / 42 लिखेंगे, इधर 2 और 3, 7 और 18 को प्लस करेंगे तो 25/42 × 2/3। अब हम क्या करेंगे, कटिंग करेंगे, 2 1 = 2, 2 2 = 4 and 2 1 = 2, 21। इधर 3 और 5 और 25 एक दूसरे पर डिवाइड नहीं हो सकता तो हम उसे वैसे ही छोड़ देते हैं।
अब हम लिखेंगे 25 मल्टीप्लाई 1, 21 मल्टीप्लाई 3, तो हमारे पास आता है 25 ओवर 63। ये हमारे पास हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड किस तरह करेंगे? राइट हैंड साइड कौन सा नंबर है? ये टैकिंग RHS, यानी राइट हैंड साइड। 1 ओवर 6 मल्टीप्लाई 2 ओवर 3 प्लस 3 ओवर 7 मल्टीप्लाई 2 ओवर 3। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स में जो नंबर्स है पहले इन्हें करेंगे। ये हम 6 और 2 को एक दूसरे पर डिवाइड करेंगे। 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, इधर 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो हम 1 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2, 7 मल्टीप्लाई 1, इधर हम करेंगे 1 ओवर 9 प्लस 2 ओवर 7। तो अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे। नाइन एंड सेवन, थ्री पर करेंगे, थ्री थ्री जा नाइन, सेवन अपनी जगह, थ्री वन जा थ्री, सेवन सेवन वन जा सेवन, तो थ्री मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई सेवन इज इक्वल टू थ्री जा नाइन, नाइन सेवन जा सिक्सटी थ्री। 63 हमारे पास एलसीएम आ गया। 7 9 जार 63, 7 मल्टीप्लाई 1 प्लस 7 9 जार 32 मल्टीप्लाई 9। अब हम करेंगे 7 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 63, तो 7 और 18 को प्लस करेंगे तो 25 ओवर 63। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गया। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड निकला गया। इधर देखिए, ये हमारे पास था एल एच एस, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों का आंसर 25 ओवर 63 है। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है हाउ मच इज 5 ओवर 7 ऑफ 2 ओवर 3। और हमने पढ़ा था मीन मल्टीप्लाई 5 ओवर 7 ऑफ 2 ओवर 3। इधर हम क्या करेंगे, 5 ओवर 7 मल्टीप्लाई 2 ओवर 3, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लिखेंगे। तो इधर 5 मल्टीप्लाई 2, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5 टू 5 जार 10, 7 3 जार 21, तो ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 भी करें। ये हो गया एक्सरसाइज 3.3।